हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि वीडियो शो एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उससे आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना सकते हो, रील्स बना सकते हो फ्रेंड्स, ओके। और आप फोटो के भी वीडियो बना सकते हो फ्रेंड्स, और उस पर म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। या आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, तो भी आप बना सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो फ्रेंड्स, ओके। तो ये आपको कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं, और उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको यूज करना होता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको हर एक नॉलेजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि कैसे आप फोटो से वीडियो बना सकते हो और उस पर म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। ये आप किसी दूसरे टाइप के वीडियो बनाना चाहते हो तो वो भी फ्रेंड्स बना सकते हो, और ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट, आपकी ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स, ओके। तो वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, आपको इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। जैसे मैंने इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया फ्रेंड्स, ये आपको कर लेना है। इसमें आप इमेज से अपनी स्टोरी बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, उस पर म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करते रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको ओपन कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, ओके। आपको क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देना है, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कट कर देना है फ्रेंड्स, ओके। यहाँ से आपको कट कर देना है, इस पर भी आपको कट कर देना है। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे मैंने क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर दिया है, ओके। उसके बाद आपको चूज़ करना है, अगर आपको वीडियो की स्टोरी बनाना है तो आप लाइक वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को चूज़ कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप इमेज की बनाना चाहते हैं तो इमेज को चूज़ कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं इमेज की बनाना चाहता हूं, तो फ्रेंड्स मेरी कुछ इमेज हैं जो मैं चूज़ कर रहा हूं। आपको जो करनी है आपको वो कर लेनी है फ्रेंड्स। ये इमेज हैं फ्रेंड्स, और भी हैं, ये इमेज आपको देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। ये मैं चूज़ कर रहा हूँ, और आप भी कर सकते हो फ्रेंड्स, ओके। तो इतनी इमेज मैंने कर ली, ये करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा फ्रेंड्स, ओके। तो नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा फ्रेंड्स। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको जाना है एडिट पर, जाना है आपको, ओके। एडिट पे जाने के बाद आपको एक कैनवास का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, CANVAS, ओके। इस पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको चूज़ करना है कि ये वीडियो आप किसके लिए बना रहे हो, लाइक फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम रील्स के लिए, या यूट्यूब के लिए। तो ये आपको चूज़ कर लेना है फ्रेंड्स, ओके। तो ये आपको यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये आप ऐसे चूज़ कर सकते हो, आप जिसके लिए वीडियो बना रहे हो वो आपको चूज़ कर लेना है। और यहाँ से चेक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। और फिर आपको थीम पे आ जाना है। तो आप जब आप थीम पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर लाइक इसको आप लगाना चाहते हैं बर्थडे का है, तो ये करने के बाद आपको ओके कर देना है फ्रेंड्स यहाँ से। तो ये देखो कुछ लग चुका है, ऐसे लग चुका है फ्रेंड्स, ओके। तो ये आप ऐसे लगा सकते हो फ्रेंड्स, ये देखो आपको देखने को मिला, ये आप ऐसे लगा सकते हो फ्रेंड्स। ये प्ले हो जाएगा, ये कुछ ऐसा प्ले हो जाएगा। तो इसका म्यूजिक मैं बंद कर देता हूँ फ्रेंड्स, इसका म्यूजिक मैं बंद कर देता हूँ। ये देखो, ये कुछ ऐसी फ़ोटो, ऐसा वीडियो आपका बन जाएगा फ्रेंड्स। और आप इस पे जो म्यूजिक ऐड करना चाहते हो वो म्यूजिक भी आप इजीली से ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। आप ये भी लगा सकते हो, और आपको यहाँ से बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको जो बेस्ट लगता है वो भी आप लगा सकते हो फ्रेंड्स, अपने अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हो फ्रेंड्स, ओके। और इस पर टेक्स्ट भी लगा सकते हो, स्टिकर भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, ओके। और इस पर म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक साउंड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आपको म्यूजिक पे चले जाना है फ्रेंड्स, ओके। आपको म्यूजिक पे चले जाना है, आपके फ़ोन में जो म्यूजिक सेव होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको वो म्यूजिक लगाने हैं तो आप ये लगा सकते हो, अदरवाइज आपको डाउनलोड करके म्यूजिक लगाने हैं तो वो लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे में ये म्यूजिक सेव है, मेरे में ये म्यूजिक सेव है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये म्यूजिक से अगर मैं इसको बीच से लगाना चाहता हूँ तो ऐसे कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ओके। और यहाँ पे ऐड म्यूजिक पे क्लिक कर दूंगा फ्रेंड्स, ये मेरा लग जाएगा, बीच से म्यूजिक लग जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेंड्स इसमें सॉन्ग नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं इसमें सॉन्ग लगाता हूँ तो ये वीडियो मेरा कॉपीराइट में आ जाएगा, तो इस पर मैं सॉन्ग नहीं लगा रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एडिट पे चले जाना है आपको।
ओके फ्रेंड्स, तो जब आप एडिट पे चले जाओगे ना तो आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिला। अगर आप इस इमेज की कुछ ऐसा करना चाहते हैं, इसको ऐसा करना चाहते हैं तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद इस इमेज को आप कैसा ऐसा रखना चाहते हैं या ऐसा रखना चाहते हैं तो ये आपको चूज़ कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आपको जितनी भी इमेज है सबको ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, ये आपको चूज़ कर लेना है जितनी भी इमेज। ये करने के बाद आपको चेक कर देना है फ्रेंड्स। चेक करने के बाद अगर आपको इसका वाटरमार्क रिमूव करना है तो इस पर कट के आइकन पर क्लिक करके एक ऐड आएगा, वो ऐड आपको वॉच कर लेना है। ये भी फ्रेंड्स रिमूव हो जाएगा इजली। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको बहुत से सबटाइटल क्लिप ट्रैक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो भी आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। स्टिकर वगैरह आप लगा सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करके आपको ये सेव टू गैलरी पे क्लिक कर दीजिए, ये आपके उसमें सेव हो जाएगा आपके फोन में। तो फ्रेंड्स, ये आप ऐसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड लुक। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। जय हिंद।